गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग हिंदी में हमारा टॉपिक है दो अक्षर वाले शब्द। ठीक है, क्या टॉपिक है? दो अक्षर वाले शब्द, ऐसे शब्द जिसमें दो अक्षर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, लेकिन वही चीज फिर आप पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको सिर्फ दो तीन बताया जाता था। ठीक है, लेकिन अब आप धीरे धीरे बेटा, पहले तीन, आज कितने हैं? एक दो तीन चार, आज हम चार पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पांच पढ़ेंगे, फिर छह पढ़ेंगे, इसी तरीके से बेटा संख्याएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हेडिंग क्या है हमारी, दो अक्षर वाले शब्द। ठीक है, क्या हेडिंग है? दो अक्षर वाले शब्द। इसमें देखिए पहले ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ज से जहाज, ये ज लिखा हुआ है और ये ब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ब, ब से बत्तख। ठीक है, बीच में बेटा देखिए ये प्लस का निशान है, किस, कौन सा सिंबल है ये? प्लस का। प्लस का मतलब होता है बेटा जोड़ना, जहां पे ये निशान रहेगा उसका मतलब हो जाएगा जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये ज है और ये ब है, तो दोनों को मिला के हमने यहाँ पे क्या लिखा, ज और ब को जब हम मिलाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा जब। क्या हो जाएगा? जब। उसी की तरह अब आप यहाँ इस लाइन पे आइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए घ से घड़ी और यहाँ पे र से रस्सी, दोनों लिखा हुआ, और जब घ और र को हम लोग मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? घर। क्या हो जाएगा? घर। इसके बाद यहाँ आते हैं, ये देखिए न लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या हुआ है, ये क्या है लिखा है? ल। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? नल। क्या पढ़ेंगे? नल। और यहाँ पे देखिए ये म लिखा हुआ है और ये ग लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों को जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मग। ठीक है, क्या हो जाएगा? मग। अब एक बार फिर से आप ऊपर से फिर से एक बार देखिए। ठीक है, ज और ब को मिला के हम क्या पढ़ेंगे? जब। घ और र को मिला के क्या पढ़ेंगे? घर। फिर न और ल को मिला के क्या पढ़ेंगे? नल। म और ग को मिला के क्या पढ़ेंगे? मग। ठीक है, इसको बेटा आप लोग जैसे हम यहाँ पे पढ़ाए इसको घर पे आप दो तीन बार इसका रिविजन करिएगा, और जो इसको आपकी अपनी कॉपी में करिएगा। ठीक है, एक मिनट, आपकी बुक में भी ये है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप सभी के पास ये वाली बुक होगी। ठीक है, सबके पास ये बुक होगी, यहाँ पे देखिए पेज सिक्स चैप्टर पेज नंबर 21। ठीक है, इसमें देखिए ये बना हुआ है, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फल। क्या हो गया ये? फल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बस, दोनों को मिला के क्या हो गया? बस। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की बस बनी हुई है। ठीक है, दिख रहा है ना? फल देखिए यहाँ पे क्या क्या है, केला है और क्या है, सेब है, संतरा है, अंगूर है, ये देखिए इतने सारे फल है ना। इसके बाद यहाँ पे आएंगे हम, ये देखिए जग, मिला के क्या हो गया? जग। फिर यहाँ पे देखिए ये जग बना हुआ है, यहाँ देखिए हल, हल, यहाँ पे देखिए हल बना हुआ है। फिर ये क्या है? थन, थन, देखिए ये थन बना हुआ है। फिर यहाँ पे आइए टब, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? टब। टब में क्या किया जाता है? पानी भरा जाता है। ठीक है, टब में पानी रखा जाता है ना, उसी पानी से ना आते हैं, ये देखिए टब। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए खत, खत, ठीक है, दोनों को मिला के क्या हो गया? खत। देखिए ये खत है, खत मीन्स जो चिट्ठी आती थी, पहले के टाइम में लेटर आता था, चिट्ठी आती थी, उसको क्या बोलते थे? खत। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखिए न, ल, नल, देखिए नल बना हुआ है, यहाँ पानी गिर रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे बोल बोल करके ऐसे। ठीक है, ये हो गया न, ल। ठीक है, आपके पास ये बुक होगी, इस बुक को आप घर पे आराम से पढ़िएगा। देखिए बेटा, क्योंकि इसमें लिखने के साथ साथ पिक्चर भी बना हुआ है। ठीक है, तो आप सब लोग जिसके पास बुक नहीं है वो बुक ले लेगा बेटा, और जितने लोगों के पास बुक है वो इस बुक से घर पे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको अपना अपनी कॉपी में करिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क आपका रहेगा, ये राइटिंग बुक सभी के पास होगी। ठीक है, इसमें आप
ये वाला पेज कंप्लीट कर लिया है, ये भी कंप्लीट कर लिया है। आज का आपका होमवर्क रहेगा ये वाला, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये ऋषि ऋषि ऋषि, ऐसे इड़ी ऐसे है, ये तीनों लाइन आप पूरी फिल कर लेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।